नमस्कार, जरा हटके में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो मोबाइल तो चार्ज करती ही है लेकिन साथ में अपना हाथ भी चार्ज करती है। जी हाँ, 28 वर्षीय अभिनेत्री और बायोनिक एक्टिविस्ट एंजेल जियाफ्रिया का जन्म से ही बायां हाथ नहीं था, इसीलिए उसके माता पिता ने 4 महीने की उम्र के बाद से ही उसका एक इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगवा दिया था। ये हाथ तभी अच्छी तरह से काम करता था जब वह भली भांति चार्ज हो जाता था। इस कारण से उन्हें सवेरे बिस्तर से उठने पर ही मोबाइल चार्ज करने के बजाय पहले बायोनिक हाथ को चार्ज करना पड़ता था। जब वे इसे एक बार चार्ज कर लेती हैं तो दिन भर की छुट्टी हो जाती है। एंजेल जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक हाथ को भी अपग्रेड किया जाने की जरूरत पड़ने लगी। फिलहाल वह एक मोटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक हाथ का इस्तेमाल कर रही हैं। एंजेल जब सुबह उठती हैं तो सबसे पहले वह अपना हाथ चार्ज करती हैं, क्योंकि जब तक ये हाथ चार्ज नहीं होगा तब तक वह अपने दूसरे काम नहीं कर पाती हैं। उसके माता पिता का कहना है कि जब भी एंजेल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ देखती थी तो वे समझ जाते हैं कि एंजेल अपना हाथ चार्ज करवाना चाहती है। हाथ चार्ज होने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और 1 दिन काम करता है। एंजेल के माता पिता बताते हैं कि कुछ समय पहले वे अमेरिका में एक प्रोग्राम में शामिल होने गए हुए थे। वहाँ अचानक एंजेल के हाथ की चार्जिंग खत्म हो गई और वह उसे तुरंत चार्ज करने के लिए दौड़ी, लेकिन जहाँ सॉकेट लगा था वहाँ पहले से ही किसी का मोबाइल फोन चार्ज हो रहा था, जिसके बाद एंजेल को काफी परेशानी हुई थी। अचानक उसे दीवार की पिछली तरफ लगा एक सॉकेट नजर आया। वह वहाँ दौड़ कर गई और अपने हाथ को चार्ज किया। जब भी एंजेल के हाथ की बैटरी कम होने लगती है तो उसके हाथ में लगी बीप की आवाज बज उठती है। उसके माता पिता का कहना है कि एंजेल के लिए मोबाइल चार्ज करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि अपना हाथ चार्ज करना है। इसे लेकर कई बार वे परेशान भी हो जाती है। यह बात अलग है कि कई बार युवा उसके हाथ को कोई नया फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समझ लेते हैं।